तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल एक्सचेंज करना है तो आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो मोबाइल एक्सचेंज करना ही नहीं जानते यानी कि आपका जो फोन पुराना हो चुका है और कोई नया फोन लेना चाहते हैं तो नया फोन भी ले लेंगे और अपने पुराने फोन को बेच भी देंगे साथ ही साथ उसी कंपनी से जिससे आप ले रहे हैं तो ये कहते हैं एक्सचेंज यानी कि कोई फोन दस का है और आपका जो पुराना फोन है चार का है तो दस का फोन चार वापस करके वो केवल आपको छह हजार रूपए देने पड़ेंगे और आपको अपना पुराना फोन देना पड़ेगा तो यहां पर इसी तरह से मोबाइल एक्सचेंज हो जाता है ऑनलाइन होता है बहुत सारी कंपनी करती हैं और अब फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है तो यहां पर बहुत सारी कंपनी आपको मोबाइल एक्सचेंज का ऑफर भी देती है लेकिन मोबाइल एक्सचेंज कैसे करना है और किस तरह से आप अपने मोबाइल का ज्यादा कीमत पाएंगे और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ये बहुत सारे लोग नहीं जानते और अपने मोबाइल को सस्ते में ही एक्सचेंज कर देते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको अपना मोबाइल महंगे में एक्सचेंज करना है और अच्छा फोन भी कम प्राइस में ले लेना है तो यहां पर हम किसी भी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं तो यहां पर हम फ्लिपकार्ट का यूज करेंगे क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट काफी सारे का यूज करता हूं साथ ही अमेजन का भी काफी यूज करता हूं तो यहां पर फ्लिपकार्ट पर इस समय सेल चल रही है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि, कि किस टाइम पर सेल ज्यादा अच्छी चल रही है जब भी कोई फेस्टिवल होता है उसके आगे पीछे सेल काफी अच्छी चलती है और आपके पुराने मोबाइल का अच्छा दाम आपको मिल जाता है साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाते हैं कभी कभी तो आपको कैशबैक भी मिल जाता है कभी कभी तो अगर तीन हजार का नॉर्मल दिनों में मोबाइल आपका बिक रहा है वो तो उस पर एक हजार और मिल जाएगा यानी चार हजार का बिक जाएगा इसीलिए फेस्टिवल के दौरान ही आपको एक्सचेंज करना चाहिए अब ये फेस्टिवल चल रहा है अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि मोबाइल की कैटेगरी में जाते हैं अगर मोबाइल एक्सचेंज करना है तो मोबाइल ही कोई खरीदना पड़ेगा अब कोई सा भी मोबाइल है आप देखिए कि कौन सा आपके लिए बढ़िया मोबाइल है सस्ता मोबाइल है क्योंकि कोई से भी मोबाइल के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं तो यहां पर मुझे पसंद आया रियल मी सी फिफ्टी वन अब यहां पर आठ हजार नौ सौ निन्यानबे यानी कि नौ हजार रुपए कीमत का है चार जीबी रैम है चौसठ जीबी स्टोरेज है पांच हजार एमएच की बैटरी है पचास मेगापिक्सल का कैमरा है मुझे यह पसंद आ गया मैंने इस पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद जब नीचे आएंगे तो यहां पर हमें इसका रेट दिख गया आठ हजार नौ सौ निन्यानबे यानी नौ हजार का यह है अब मैं ढूंढूंगा कि एक्सचेंज में कैसे करूं अब यहां पर आप देखिए एक्सचेंज एक्सचेंज का एक ऑप्शन है अभी मेरा ये जो फोन है रेडमी नोट एट है जिसकी कीमत लगी है अड़तीस सौ रुपये लेकिन यही कीमत बाईस सौ भी मिल सकती है यही कीमत आपको चौदह सौ भी मिल सकती है तो मैंने कैसे अड़तीस सौ करा है मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी फोन आपको बेचना है मान लीजिए मुझे Redmi Note 8 बेचना है तो मैं मोबाइल फोन की जो कंपनी है उस पर क्लिक करूंगा अब यहां पर Redmi Note 8 देखूंगा कि लिस्टेड है या नहीं है यहां पर Redmi Note 8 दिख गया मैंने इस पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पर तीन कैटेगरी बनी हुई है फ्लॉलेस माइनर स्क्रीन डैमेज और माइनर बॉडी डैमेज स्क्रीन एंड बॉडी डैमेज अगर स्क्रीन और बॉडी डैमेज पे आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको केवल ग्यारह सौ रूपये ग्यारह सौ पचास रूपये अपने फोन के मिलेंगे पुरानी वाले अगर आपने फ्लोरलेस सेलेक्ट कर लिया तो अड़तीस सौ रूपये मिलेंगे साथ ही अलग से भी आपको और ऑफर मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा तो यहां पर मेरे फोन में कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ सही चल रहा है तो यहां पर स्क्रैच भी नहीं है तो मैंने अड़तीस सौ सेलेक्ट कर लिया यहां पर मैंने अड़तीस सौ सेलेक्ट कर लिया और ये फोन मेरा नॉर्मल दिनों में मेरा चौतीस सौ बत्तीस का बिकता है तो अड़तीस का है तो फेस्टिवल के दौरान 400-500 पांच सौ हजार पन्द्रह ज्यादा ही आपको मिलता है अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं एक्सचेंज जब नया फोन मुझे डिलीवरी बॉय डिलीवर करने आए तभी मैं एक्सचेंज कर लू यानी पुराना फोन दे दू या पुराना फोन सात दिनों बाद दे दूं जब मैं अपने डेटा का बैकअप ले लू और नए फोन में उसको सब ले लू तो फिर उस फोन को सात दिन बाद डिलीवरी वाला वापस आएगा और वो लेके चला जाएगा आपको उससे पहले वो नया फोन देके चला जाएगा तो ये दोनों ऑप्शन है अब मान मैं तो चाहता हूं कि यार तुरंत ही पुराना फोन लेके जाए झंझट छुट्टी हो मैंने इस पर क्लिक कर लिया और नेक्स्ट कर दिया कंफर्म कर दिया वैसे तो ये फोन है आठ हजार नौ सौ निन्यानवे का लेकिन यहां पर अड़तीस सौ रुपए का ऑफर लग चुका है तो उसको अगर माइनस करेंगे अड़तीस सौ मान लीजिए चार हजार का फोन लग गया है और नौ हजार में से हम करेंगे तो पांच हजार और बावन सौ का फोन हमें पड़ जाएगा अब हमें बावन सौ की पेमेंट कर देनी है पेमेंट चाहे तो आप ईएमआई बनवा लें चाहे आ, कैश ऑन डिलीवरी कर दें चाहे आप क्रेडिट कार्ड से कर दें या यूपीआई आईडी से कर दें ये आपकी मर्जी है अब आपका फोन एक्सचेंज हो गया इस तरह से हम किसी भी सेल में जाके अपने फोन को एक्सचेंज कर सकते हैं अगर पूरी तरह से अब देखो एक्सचेंज जब आपने फोन कर दिया है पेमेंट कर दी है या आपने ऑर्डर डाल दिया है उसके बाद आपने फोन को फॉर्मेट करके उसकी सारी चीजें डिलीट कर लीजिए अपना जो भी सिम कार्ड है और एसडी कार्ड है उसको निकाल लीजिए फोन को फॉर्मेट करके देना कोई पासवर्ड नहीं लगाना रहना चाहिए और आगे पीछे उस पर जो भी कवर है उसको हटा दीजिए कोई फायदा नहीं है वो भी फेंक देंगे तो आप उसको बचा के रख लीजिए आपके काम आ सकता है इस तरह से कोई भी पुराना फोन एक्सचेंज हो जाएगा लेकिन अगर आप फेस्टिवल जब त्यौहार नहीं है तब आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको करीब आठ से लेके हजार पंद्रह कम ही मिलेगा तो उस समय एक्सचेंज करने में कोई फायदा नहीं है दूसरी चीज ये है कि कोई भी नया प्रोडक्ट आप लेंगे तो उस पर भी आपको ऑफर नहीं मिलेगा तो आपको डबल डबल घाटा यही 9000 का जो फोन इस समय दिखा रहा है उस समय ये 10000 का दिखाएगा तो आपको 1000 बढ़ जाएगा और आपको जो फोन बिक रहा है वो भी कम में बिकेगा तो आपका डबल घाटा हो जाएगा इसीलिए त्यौहार चल रहा है और फेस्टिवल को देख लीजिए कब बड़ी सेल चलने वाली है उस टाइम करिए तो दोनों तरफ से आपको फायदा हो जाएगा और आपका फोन बहुत सस्ते में पड़ जाएगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें